हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आप भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है और क्या वेबिनार्स कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। और यहाँ पर आज देखिए टास्क क्या हो सकते हैं, आपको 5-10 मिनट लेट मिले, वैसे 8 बजे ऑन टाइम पर डेली मिल जाता है। इसके पीछे का रीजन था कि अभी कल परसों से हमारे यहाँ लाइट बहुत ज्यादा कट रही है और कल ज्यादा ही कुछ कट गई थी। शाम को लगता है कोई फॉल्ट हो गया था, क्योंकि हमारे दो मकान की पहले कटी थी, फिर बाद में पूरे मोहल्ले की कट गई थी। तो हमें रात में खाना खाने के बाद में हम गए थे छत पर, गए थे सो गए थे, बड़ी अच्छी नींद आई थी, मस्त हवा चल रही थी, वहां सो गए थे। तो सुबह अभी सो करके अभी जस्ट उठे तो देखा, अरे हमने तो हमको टास्क दिया ही नहीं। तो हमको ध्यान आया तो हम अभी जस्ट आए थे, फिर हमने स्टूडियो ओपन किया और यहाँ पर हम टास्क देने लगे। क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडियो में इसलिए नहीं सोते, यहाँ पर देखिए पावर बैकअप है काफी बड़ा, हमारा इन्वर्टर है, लेकिन फिर भी हम नहीं चलाते हैं। क्योंकि जब हम आपकी क्लास लेते हैं, लगभग मैं आपकी 4.5 से 5 घंटे की हम आप लोगों की क्लास लेते हैं, तो पावर बैकअप की जरूरत होगी, कहीं आपकी क्लास ऑफ ना हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पर पावर बैकअप इसका यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी आप लोगों की वजह से। तो क्योंकि यहाँ पर जब क्लास लेते हैं तो कम से कम 14 से 15 इक्विपमेंट है ना एक साथ में चलते हैं, तो काफी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से उसको सेफ रखते हैं कि आप लोगों की क्लासेस ऑफ ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज देखिए आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का 25वां दिन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर 2 अगस्त वाली डेट आपको देखने को मिलेगी। तो आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी, इसको पूरा आपको कवर कर लेना है। वैसे आप लोगों की कवर हो गई होगी, लेकिन हो सकता है आपका आधा चैप्टर, 1 चैप्टर 2 चैप्टर रह गए हो, तो इसीलिए आज आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि आप लोग आराम से कवर कर लीजिए। क्योंकि कई सारे लोग मैसेज करते थे कि सर हमारा टास्क क्या है, उसको कवर करने में काफी समय लग जाता है, कवर नहीं हो पाता है। तो अभी तो हमको इतना कम टास्क दिया जा रहा है, हल्के हल्के और टास्क दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और आप कहते हैं कि सर कवर नहीं हो पाते। कैसे कवर नहीं हो पाते, केवल 2 चैप्टर एनसीईआरटी के नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग। तो अच्छे से आप लोग कवर करिए, 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं 1-2 चैप्टर के, शेष रह गए होंगे, कभी ना कभी हो जाता है, छुट्टी हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कवर कर लीजिएगा। आज हम लोग देख लेते हैं मैपिंग टास्क क्या कवर करना है। तो देखिए आपको, हम आपको एशिया के फिजिकल लोकेशन को पढ़ा रहे थे ना, तो आपको कल कुछ लोकेशन दी थी, आज हम लोग और थोड़ी लोकेशन इसकी देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जो देखिए बेरिंग सी आपको देखने को मिलेगा, तो बेरिंग सी के पास में ही आपको यहाँ पर एक कमचटका आपको देखने को मिलेगा, कमचटका पेनिसुलर है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करना है। और फिर इसी तरह से जैसे आप लोग टहलते हुए इस तरह से आते थे ना, इसी तरह से आपको इसी तरह से टहलते हुए सारी के सारी लोकेशन आपको मिल जाएगी, किनारे किनारे ही टहलना है, जैसे आप अपनी गलियों में टहलते हैं। तो देखिए आपको पहली लोकेशन है वो आपको कमचटका आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ओके, वैसे आप लोग सर्च कर लेंगे क्योंकि काफी हाईलाइटेड चीजें हैं जो हम यहाँ पर आज दे रहे हैं। और दूसरा आपको देखिए यहाँ पर क्यूरील आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्यूरील आइलैंड आपको बता देते हैं, ये हो सकता है आपको, देखिए जो बेरिंग सी है ना, इसी में आप देखेंगे तो इस तरह से जैसे माला नहीं होती है, आप लोग जैसे शादी ब्याह में गए होंगे तो जयमाला प्रोग्राम होता है ना, तो जैसे माला होती है ना, वैसे ही छोटे छोटे दीपों का आपको एक तरह से एक समूह देखने को मिलेगा। ओके, तो वही आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कहाँ पर आपको है, जो कमचटका है ना, तो कमचटका से लेकर के आप थोड़ा सा नीचे इस तरह से आएंगे जापान के इधर, तो आपको ये इस तरह से माला टाइप की आपको दिख जाएगी। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये वाली लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, आराम से, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में आपको सखालीन आइलैंड देखने को मिलेगा। देखिए सखालीन आइलैंड है वो कहाँ पर है, तो आप देखिए यहाँ पर ओकोटस आपको सी पढ़ाए थे ना, तो ओकोटस सी में ही आप लोग देखेंगे, तो काफी बड़ा सा एक द्वीप आपको हाईलाइटेड रूप में दिख जाएगा अपने एटलस में, एकदम परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये रसिया के तट पर आपको देखनी है, तो रसिया का जो पूर्वी तट है ना, आप उधर देखेंगे तो सारी की सारी लोकेशन आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में देखिए जापान में ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें आपको देखिए एक होगैंडो देखने को मिलेगा, होन्सु देखने को मिलेगा और सिकोकू देखने को मिलेगा और क्यूसू आपको देखने को मिलेगा। यही मुख्य जो द्वीप है इनसे मिलकर के जापान है वो बना हुआ है, तो जापान देश है वो द्वीपीय देश आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रमुख रूप से ये आपको 4 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम समग्र रूप से हम जापान का नाम देते हैं। और इसमें देखिए जो होन्सु है ये आपको सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा, और आपसे क्रम भी पूछा जाता है पेपर में कि उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाइए, तो ये आपको क्रम भी देखने को मिलेगा। आप लोग नॉर्थ से
साउथ की ओर आएंगे तो यही क्रम आपको सेम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको हुकेंडो देखने को मिलेगा, फिर होन्सु देखने को मिलेगा, सिकोकू आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको क्यूसू आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में ये देखिए जापान में ये सारी के सारी लोकेशन आपको दिख जाएंगे। फिर आपको देखिए ताइवान में आपको ताइवान सर्च करना है, तो देखिए ताइवान है आपको थोड़ा सा आप लोग ईस्ट ईस्ट चाइना सी है ना, उसके थोड़ा सा नीचे आप लोग साउथ में आएंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा, एकदम परेशानी नहीं होगी। तो चलिए और हम लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए फिलीपींस, अब देखिए यहाँ पर एक कुछ लोकेशन है वो फिलीपींस में आपको सर्च करनी है, और दूसरी आपको इंडोनेशिया, आपने सुना होगा ना, उस इंडोनेशिया में आपको थोड़ी सी सर्च करनी है। तो देखिए आपको फिलीपींस में आपको लूजो आपको देखने को मिलेगा, मिडनाओ आपको देखने को मिलेगा, और पलावान आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये इसमें सारी के सारी लोकेशन आपको मिल जाएंगी आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से इंडोनेशिया में आपको ब्रूनेई मिल जाएगा, तो ब्रूनेई है देखिए इसका आधा पार्ट है वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, आधा पार्ट है वो आपको मलेशिया में, इसका पार्ट आधा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो ब्रूनेई का साउथ वाला पार्ट है वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये ब्रूनेई है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। मैं और थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, हो सकता है छुप जाता हूँ मुझसे। फिर उसके बाद में देखिए आपको सुमात्रा जावा, तो देखिए ये देखिए आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग श्रीलंका आप लोग देखिए ना, तो इसके आप लोग दक्षिण और पूरब में आप लोग थोड़ा सा जाएंगे तो दक्षिण पूरब में जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए सुमात्रा मिल जाएगा, सुमात्रा से थोड़ा सा आगे जाएंगे ओके तो आपको जावा मिल जाएगा, मतलब वो लाइन नहीं छोड़नी, ऐसे टहलते हुए चले जाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इधर सुमात्रा देखने को मिलेगा, फिर जावा देखने को मिलेगा, फिर आपको लेसर सुंडा आपको देखने को मिलेगा। लेसर सुंडा है एक छोटा छोटा जो द्वीप आपको देखने को मिलेगा, उसी को लेसर सुंडा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके में मैप में ना दिया रखा हो या बहुत छोटा सा दिया रखा हो, तो जावा के आगे आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको तिमोर देखने को मिलेगा, और इसी में आपको ईस्ट तिमोर भी देखने को मिलेगा। तिमोरिया हो सकता है केवल तिमोर आपके में लिखा हुआ हो तो भी आपको परेशान नहीं होना है। ओके, तो इतनी लोकेशन आपको अच्छे से सर्च करनी है। तो ये इंडोनेशिया में कुछ मिल जाएंगे, कुछ फिलीपींस में मिल जाएंगे, कुछ जापान में मिल जाएंगे, और कुछ आपको रसिया के पूर्वी पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, इसी तरह से आपको सारा ये टास्क के बहुत अच्छे से कवर करना है, और आप लोगों के लिए साबिस्तान में बाद में पढ़ाएंगे। अभी इतना ही करना है, सिर्फ लोकेशन को सर्च करना है। ओके, केवल लोकेशन को सर्च करना है और उसको लोकेट कर लेना है, इसके बारे में साबिस्तान में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इसी क्रम में आप लोगों को नोट करना है। तो देखिए आप लोगों का ज्योग्राफी एनसीईआरटी और जो इन्वायरमेंट है ये आपका आज फिनिश हो गया है, और कल से आप लोगों का क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आप लोगों का स्टार्ट होगा, फिर आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर इकोनॉमिक सेंस सोशल इशूज स्टार्ट होगा। तो देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही है, टास्क भी आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग अगर के सबको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए यूपीएससी और यूपी और बिहार पीसीएस इतनी सारी क्लासेस दी जा रही हैं। यूपीएससी की क्लासेस हैं ये शाम को 6 बजे चलती हैं, देखिए यहाँ पर टाइम दिया रखा है। यूपीएससी क्लासेस हैं ये शाम को 6 बजे चलती हैं, 6 PM पर चलती हैं, आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस का भी बैच आप लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये पीसीएस का बैच है। ओके, ये 3 बजे लाइव क्लासेस आप लोगों की चलती है, आकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा द हिंदू का हिंदी में कंपाइलेशन वो शिवम सर के द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग आकर के इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, आप लोग कभी भी आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा संडे को आपके डाउट क्लियर सेशन भी चलते हैं, इसके अलावा टास्क भी होता है, तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए मिलता है। और जो आप ये वीडियो देखना है टास्क वाली, ये टास्क वाली वीडियो आपको सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है, आज हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो जाए। और देखिए यहाँ पर आपको सेपरेट इस तरह से हमने प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर, तो आप लोग आकर के देखेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। टास्क वाली में जाएंगे तो टास्क वाली मिल जाएगी, इसी तरह से कोई भी बैच आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो उस बैच वाले में जाइए, आपको आराम से मिल जाया करेगा। ओके, तो देखिए सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हम किस सब्जेक्ट पर आपको कितनी क्लासेस कितने घंटे की क्लासेस देंगे वो देखिए यहाँ पर साविस्तार बताएगी। अगर आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड से हट जाता हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में जूम करके देखते रहिएगा। ओके, वैसे तो आप बहुत चीजें जूम करके देखते होंगे, लेकिन कभी बार इसको भी अच्छी चीजों को भी जूम कर करके देख लेना चाहिए। ओके, और हाँ, जिन लोगों आई कार्ड है वो सभी लोगों के लगभग में बन गए हैं देखिए यहाँ पर, और जिन लोगों ने कल से पहले जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था उन लोगों के भी आई कार्ड बन गए, उनके नाम यहाँ पर नहीं डाले, नए लोगों के इसमें नाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का आई कार्ड नहीं बना है, आप लोगों का आई कार्ड बन गए हैं, नए लोगों के इसमें नाम नहीं है। गर्ल्स के भी जिन लोगों ने कल से पहले फॉर्म फिल कर दिए थे कभी भी, तो उन लोगों के आई कार्ड बन गए, एक मैसेज कर दीजिए अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ में। कल काफी लोगों ने मैसेज किए थे, हम नाम नहीं सेंड कर पाए थे,
मतलब आई कार्ड सेंड नहीं कर पाए थे, आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और जो न्यू मेंबर है वो जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के सेम थंबनेल लगा हुआ है ये वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को आप भी फिनिश करते, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे।